एंड स्वागत है आपका अंजू राठौड़ इंडियन ब्लॉग में। और जैसा कि कल है गजलक्ष्मी व्रत, तो मैं आ गई हूँ मार्केट में हाथी के लेने के लिए। मुझे याद आ गया था, दीदी ने बोला, तो मैं ये हाथी लेके आ गई हूँ। और मैंने सुबह से काफ़ी काम था, वीडियो तो नहीं शूट कर पाया, लेकिन ये यहाँ पे थोड़ा सूख गया। सब पैर में रंग लगा रहे हैं, रंग लगाने से पहले हल्दी लगाते हैं। और ये देखिए गजलक्ष्मी व्रत में कैसे पूजा करते हैं, ये सारी चीज़ें बनाते हैं। 32 टिकियाँ बनाते हैं जो जोड़े में बनती हैं, 16 दिया बनाते हैं, और बाकी थोड़े गणेश जी सुपाड़ी के रखते हैं, और माता लक्ष्मी कलश स्थापना सब चीज़ें सब करते हैं, होम हवन यज्ञ। तो ये गजलक्ष्मी व्रत में क्या होता है, ये कथा है, पौराणिक कथा के अनुसार व्यास जी से जब कुंती माता और गांधारी जी ने अपने राज्य को व्यवस्थित करने के लिए और सुख सम्मति के लिए कोई व्रत पूछा था, तो उन्होंने बताया कि आप गजलक्ष्मी व्रत रहिए। तो इसकी एक कथा भी बहुत अच्छी कथा है। और मुझे याद है कि एक बार हम जब आंगन में लेटे थे, तो आजकल तो ये घर ऐसे बंद हो गए हैं कि इनमें पता ही नहीं चलता कि आंगन कहाँ, ऊपर तारे दिखते हैं, क्या होता है। जब आंगन में खुले आसमान में जब सोते थे, तो ऊपर तारे टूटते भी दिखाई देते थे और हर चीज़ दिखाई देती थी। तो बस वो ऊपर क्या था, छत, वो आसमान में जो हाथी के पैर छपे हुए थे। तो हमने मम्मी से पूछा, मम्मी ये कैसे पैर से छपे हुए हैं? तो मम्मी ने फिर हमें ये कथा सुनाई थी कि माता कुंती और गांधारी जी की गजलक्ष्मी व्रत की कथा। तो इसमें क्या था कि माता वो गांधारी ने तो अपने 100 पुत्र थे उनके, कौरव 100 भाई थे, तो वो थोड़ी थोड़ी मिट्टी लाए तो उनका बहुत बड़ा हाथी बन गया था। और कुंती माँ को ये चिंता हुई कि भाई हमारे तो 5 बेटे हैं, वो मिट्टी लाएंगे तो कितना छोटा सा हाथी बनेगा। तो जब ये चिंता उन्होंने अर्जुन के सामने करी कि हम उनके तो बहुत बड़ा हाथी बना है, बहुत अच्छे से पूजा पाठ हो रही है, तो अर्जुन ने कहा, माता आप चिंता ना करें, आप पूजा की व्यवस्था करें, हाथी हम ले आएंगे। तो उसी टाइम अर्जुन गए और वो इंद्र का ऐरापत हाथी स्वर ऊपर से लेके आए थे। तो वो हाथी के पैर आसमान में छपे हुए हैं, इसलिए हम गजलक्ष्मी का पूजन करते हैं। और माता कुंती ने ऐरापत हाथी की पूजा करी थी उस टाइम। तो वही है कि गजलक्ष्मी व्रत का हमें सौभाग्य और महालक्ष्मी व्रत की कृपा के लिए, अपने घर में सुख शांति समृद्धि के लिए हमें ये व्रत जरूर करना चाहिए, विधि विधान से करना चाहिए। और ये हमारे मन को शांति देता है और घर में जो नेगेटिविटी है वो सब दूर हो जाती है होम हवन यज्ञ से। सो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट में बताएं। थैंक यू सो मच, और देखते रहिए अंजू राठौड़ इंडियन ब्लॉग को।